morning, students. I welcome you all to the new academic session, that is 2021-22, and let's begin our session with some revision work. I am your subject teacher, Vaidehi ma'am, and I'll be taking your subject science. पढ़े थोड़ा बहुत. Background देखकर तो आपको लग रहा होगा ना स्कूल में आने का मन कर रहा होगा. But have to wait for some time. But तब तक हम पढ़ाई तो start कर ही सकते हैं. Come, let's study something, let's revise something. Come. Welcome to the colorful, wonderful world of plants. कितना अच्छा लगता है ना गार्डन में जाके घूमने का. बट कोरोना चल रहा है ना, यू कैन नॉट गो आउटसाइड, इट इज़ वेरी अनसेफ, है ना. बट घर में बैठ के हम प्लांट्स के बारे में कुछ रिविजन तो कर ही सकते हैं, है ना. लुक एट दिस प्लांट, सी दिस लॉन्ग स्टेम, है ना, विच इज होल्डिंग द ब्रांचेस, विच इज होल्डिंग द लीव्स एंड फ्लावर्स. बट where are the roots? Actually, the roots are inside the soil, which you cannot see, but they are there in the soil. They are also very important. What are the parts of plant? The roots, the stem, the leaves, the branches, the flowers, and a few plant, they have roots as well, which you can eat, है ना. याद आया ना parts of plant के बारे में. Do you remember the part types of plant? ये देखो, this is a very tall plant with a strong stem. इसे क्या कहेंगे? Yes, it is nothing but tree. Okay, and there are some medium sized plant like this. This is example of rose. See, look at the stem, woody stem, hai na, short and woody stem. So these are called shrubs. Aapko aur koi shrub ka naam pata hai? And jo bahut chote chote plants hote hain, say for example mint, ye dekho mint, पुदीना, जो जिससे आपकी मम्मी पानी पूरी बनाती है. सी, लुक एट इट्स स्टेम, कितनी डेलिकेट है. यू कैन ईजीली ब्रेक इट्स स्टेम, है ना. सो दीज आर नथिंग बट हर्ब्स. अच्छा, लास्ट ईयर वी स्टडीड अबाउट क्लाइंबर्स एज वेल. वेर आर द क्लाइंबर्स? दीज आर द क्लाइंबर्स. सी, ये देखो, इसकी स्टेम कितनी सॉफ्ट है, कितनी वीक है. इट नीड्स सपोर्ट टू क्लाइम. कैन यू सी? ये देखो प्लांट्स. प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही है. व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे गिव अस फ्रूट्स, है ना. यू कैन ऑल्सो ईट द leaves of the plant, है ना. And ये पूरी जगह पर कितनी ठंडक देते हैं हमको, है ना. और उसकी वजह से ये देखो, colorful flowers की वजह से कितना beautiful लगता है. इसीलिए तो आपको garden में जाना पसंद है, है ना. But look at this plant. What happened to this plant? ये तो उस पहले वाले plant की तरह हरा भरा green तो नहीं है. क्या हो गया इसको? सी, देर आर नो लीव्स ओवर हेयर, ओनली द ब्रांचेस आर देयर, एंड यू कैन सी द स्टेम. देखो, पानी डाला है फिर भी. सी द कंडीशन ऑफ द प्लांट, क्या करेंगे? सो यू हैव टू सजेस्ट मी सम वे सो दैट ये वाला जो, ये जो प्लांट है ना, सूखा वाला प्लांट, वंस अगेन ये ऐसे पहले की तरह हरा भरा कैसे हो जाए, उसके आपको तरीके मुझे बताने हैं. यू हैव टू टेल मी व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय अ प्लांट. आप प्लांट में क्या क्या डालोगे जिससे वो ऐसा पहले की तरह ऐसे हरा भरा हो जाए. ओके, व्हाट यू विल बी डूइंग इन दिस वेरी फर्स्ट वर्कशीट इज
you will be identifying the plants around you, then you will be categorizing it into herb, shrub, trees and climbers. And if you happen to see any creepers, वो जो होते हैं ना watermelon जो कि ज़मीन पे लेटे हुए हमने पढ़ा था, so you will be looking around your environment, you will be trying to identify those climbers, types of plants.